दोस्तों हिस्टोरियल चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूं जिसकी वीडियो आप दोस्तों को यूट्यूब में नहीं मिलेगी। कोकोस लैंड के तमाम तर हकायक के साथ साथ वीजा पॉलिसी की तमाम तर मालूमात भी फराहम करेंगे। तमाम दोस्त इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों कोकोस जजीरा नमा मुल्क पहाड़ों, घने जंगलों और 200 से जायद आबशारों का मरकज है। इसके 3 खलीज हैं और 14 मरबा किलोमीटर अराजी है। ये बहरा हिंद में वाकया ऑस्ट्रेलिया से मुंसलिक मुल्क है। इसके करीबी हमसाया ममालिक में शमाल मगरिब में मालदीप और श्रीलंका, शमाल मशरिक में सिंगापुर, मशरिक में क्रिसमस लैंड और जनूब मशरिक में ऑस्ट्रेलिया है। 2014 में इस इलाके की आबादी 595 अफराद थी, जबकि 2016 में होने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक यहां 544 अफराद आबाद थे। यहां आबाद बाशिंदे कोकोस आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। गैर मामूली तौर पर यहां का दारुल हुकूमत एक शहर या शहर की बजाय एक जजीरा है जिसे वेस्ट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसका कुल रकबा 2.4 मरबा मील है। 2014 में इस शहर की आबादी 120 अफराद थी। कोकोस जजीरा आला नमी और आला दर्जा हरारत के साथ टॉपिकल आबो हवा रखता है। हैरत की बात यह है यहाँ कोई आबाई जानवर मौजूद नहीं। ताहम यहाँ पर चूहे की 2 अकसाम और रेंगने वाले जानवरों में रेंगने वाले जानवरों की बहुत सी अकसाम पाई जाती हैं। कोकोस जजीरे की सरकारी जुबान मलाई और अंग्रेजी है। इस इलाके को कैप्टन वेलन क्लैम्प ने 1609 में दरियाफ्त किया, लेकिन 19वीं सदी तक यह इलाका गैर आबाद रहा। यहाँ के पकवानों में चावल और मछली बहुत मशहूर है। यहाँ की कोई सरकारी फौज नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मुंसलिक होने की वजह से ये इलाका महफूज है। ताहम इलाकाई तौर पर यहाँ पर 5 अफराद पर मुश्तमिल एक पुलिस फोर्स मौजूद है। इस इलाके पर सब्जियां, नारियल, केले और पपीता उगाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और 1887 तक इस मुल्क की करेंसी नारियल जजीरा रुपया था, मगर इस वक्त आप इस मुल्क में ऑस्ट्रेलियन करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने 16वीं सदी में पुर्तगाली मलाहों से अपना नाम पाया, क्योंकि यहाँ पर नारियल बड़ी मकदार में मौजूद था और नारियल को पुर्तगाली जबान में कोको कहा जाता था। इस मुल्क में 200 से जायद मकानात मौजूद हैं, जिसमें इस मुल्क की सारी आबादी मौजूदा दौर में रिहाइश पजीर है। ये जजीरा नमा मुल्क एक बहरी अड्डे की हैसियत भी रखता है। म्यांमार नेवी के 28वें यूनिट से ताल्लुक रखता है। यहाँ साल भर गर्मी का मौसम होता है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर मौसम सरमा तो होता है, मगर खुश्क तरीन होता है। यहाँ पर औसतन 761 मिलीलीटर बारिश होती है। इस मुल्क के पूरे हिस्से को 1978 में कोस्टा रिका नेशनल पार्क भी नामजद किया गया था। इस इलाके पर कोस्टा रिका नेशनल पार्क के बाशिंदे भी मौजूद रहे। ये इलाका स्कूबा डाइविंग करने के शौकीन अफराद के लिए जन्नत से कम नहीं। इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में नदियाँ और नहरें मौजूद हैं। इस मुल्क के सबसे बड़े दरिया में जैनियों और पीटर हैं। इस मुल्क के इर्द गिर्द मीजान की चट्टाने और आर्टिफिशियल सुरंगें, गारें और खूबसूरत जंगल है। यहाँ मछलियों की 300 से जायद अकसाम पाई जाती हैं, जिनमें डॉल्फिन जैसी बड़ी मछलियाँ भी शामिल हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम एजला डेल कोको है। अगर हम इस छोटे से मुल्क में तालीम की बात करें तो इस मुल्क में डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी कैंपस भी मौजूद है। इस कैंपस के बेशतर तुलबा का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। इस मुल्क को किलिंग आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया का तीसरा सबसे छोटा दारुल हुकूमत है। ये बुनियादी तौर पर यूरोपी बशिंदों पर मुश्तमिल है। दूसरी जंगे अजीम के दौरान इस छोटे से शहर के जिसे इस मुल्क के दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है, एक जंगी पट्टी बनाई गई थी। इस शहर में तमाम सरकारी अमारात के साथ एक हवाई अड्डा और एक अवामी स्टोर और सियाहों के लिए बनाई गई रिहायश गाहें भी बहुत मशहूर हैं। इस मुल्क के झंडे में 2 रंग हैं, एक सबज और दूसरा पीला। इसके अलावा इस झंडे में एक दरख्त और चांद तारे बनाए गए हैं, जो कि इस मुल्क की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मुल्क के कोट ऑफ फार्म में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाया
बनाया गया है जिसमें एक परिंदा एक मछली बनाई गई है जो कि इस इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसके दोनों एतराफ में दो दरख्त भी बनाए गए हैं और दरमियान में एक हाथ का निशान भी बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत फूल को जाहिर कर रहा है। ये शायद दुनिया का वाहद कोट ऑफ फार्म होगा जो इतनी ज्यादा एशिया का मरकज है। इस मुल्क के सबसे बड़े गांव का एजाज बटाम को हासिल है जो कि होमलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क के सबसे बड़े इलाके की ऊंचाई 16 फीट है। यहाँ की करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है जो कि पाकिस्तानी 100 रुपए 76 पैसे और इंडियन 46 रुपए 65 पैसे और बांग्लादेशी 51.44 टकों के बराबर है। यहाँ का टाइम जोन UTC+6 है। ये मुल्क पाकिस्तान से 1 घंटा 30 मिनट और भारत से 2 घंटे और बांग्लादेश से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ का कॉलिंग कोड +61891 है यानी कि हमें इस मुल्क में किसी से बात करनी हो तो उसके नंबर के साथ ये कॉलिंग कोड डायल करना होगा। यहाँ का डोमेन नेम और इंटरनेट TLT.CC है यानी कि कोकोस इसलैंड। यहाँ का पोस्टल कोड W867999 है। इस मुल्क में 9.5 मील लंबा हाईवे भी मौजूद है जो नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का निज़ाम ऑस्ट्रेलियाई है। इस मुल्क में डिजिटल टेलीविज़न सिस्टम और रोड का सिस्टम भी मौजूद है। इस मुल्क में मौजूद सबसे मशहूर खेल का नाम फुटबॉल है जो कि यहाँ की अवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दोस्तों कानून हर माशरे में अहम करदार अदा करता है और हर माशरे में इंसाफ का जरिया भी होता है। इस मुल्क में पहली बार कोर्ट 1992 में बनाया गया जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बनाया गया था। ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। यहाँ हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सीरियस और बेसिक हेल्थ सिस्टम मौजूद है। 2005 में एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की टोटल GDP 5.42 बिलियन डॉलर थी जो कि इस मुल्क की आबादी के लिहाज से बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में मगरबी जजीरे पे मौजूद इस्लामी मस्जिद इस्लाम की बड़ी इबादत गाहों में से एक है और इसे वेस्टर्न वीसा में भी शामिल किया गया है। इस मुल्क में दाखिल होने के लिए आपको वीजे की जरूरत होगी और इस वक्त तमाम तर आमदोरफ्त बंद है। मजीद मालूमात के लिए आप इस मुल्क की एम्बेसी का रुख कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।